के द्वारा करना बहुत जरूरी होता है। साथ साथ मैं जो भी अनुसर के शिक्षक है उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि हम लोगों के द्वारा पूरा कोऑपरेट रहेगा, लेकिन आप लोग लगनशीलता के साथ इस गांव के बच्चे को आप मेहनत से पढ़ावे। दावे के साथ कहता हूँ आने वाले दिनों में बच्चे को बैठाने के लिए दूसरे बिल्डिंग की व्यवस्था करनी होगी। धन्यवाद। उसके बाद मैं शंकर भी ऑटो ड्राइवर हमारे बहुत सारे हुई रहे, मैं चाहूंगा वो दो शब्द बोले। शंकर भी आप यहाँ उपस्थित सभी माता बहने अभिभावक सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले हम यहाँ जो मौजूद शिक्षक जन हैं ग्रीनव्यू एकेडमी के, उनसे जो शब्द कहना चाहूँगा कि आप लोग भाई बहुत अच्छे जगह पर और बहुत अच्छा स्कूल आपने यहाँ पर खोला है, जो कि हमारे गांव का यह पहला प्रतिष्ठान होगा जिसमें इंग्लिश की पढ़ाई होगी। इंग्लिश को ऐसे भी हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई होती है, लेकिन इस प्रकार की हिंदी भाषी नहीं होती है। हिंदी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं होता, अंग्रेजी भाषा नहीं बोला जाता है। हमारे बच्चों को आप अच्छे से अंग्रेजी स्कूल में जैसे और भी शहरों में जिस प्रकार के स्कूल हैं उस प्रकार की शिक्षा जो मिलती है, वही शिक्षा अगर हमारे यहाँ हमारे गांव में मिलनी शुरू हो जाएगी तो अभी तो आपको 40 बच्चे नजर आ रहे हैं, कल यहाँ 4000 बच्चे की संख्या बढ़ सकती है। तो ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दें, कैसे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, ये आप शिक्षकों पर डिपेंड होता है कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसा अट्रैक्शन पैदा करेंगे कि गांव वाले खुद ये कहेंगे कि हम अपने बच्चों को औरा बगोदर गिरिडीह नहीं भेज करके हम अलगदिहा में ही ग्रीनव्यू एकेडमी में ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। तो ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए, आपको इसमें ध्यान देना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन पैदा करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, उनको होमवर्क दें और बच्चों से होमवर्क पूरा हम देखें और उनके मुख से भी सुने कि जो हमने आपको काम किया था वो हमारे सामने आप बोलकर भी सुनाएं और स्वतः हमारे सामने लिखकर भी दिखाएं। ऐसा नहीं कि बच्चे सुन करके आपको बोल दिए बाद में लिखने कहिएगा कि लिख नहीं पाए, तो वैसा भी नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि हम बच्चों को जो काम किए हैं वो हमारे बच्चे पूरा करके आए आपको सुनाए। तो हम यही कहना चाहेंगे और हमारे अलगदिहा गांव का बहुत ही भविष्य अच्छा हो रहा है, जो कि जहां पर एक भी विद्यालय हमारे यहाँ नहीं था इंग्लिश मीडियम का, वहाँ पहला स्कूल है ये, इसलिए इसे तो बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, सातवें आसमान पर पहुंचना चाहिए। हम यही कामना करते हैं और धन्यवाद देते हैं यहाँ पर जो स्कूल खोले हुए उन सारे शिक्षकों को। धन्यवाद।